अरे तेरे आंख नहीं थी क्या? भगवान ने तेरे को आंखें हैं बटन है तेरी, तेरी तो है, तू नहीं देख के चल सकता क्या फिर? अरे मेरी तो है, मैं सही जा रहा था अपने रास्ते, तेरे को नहीं दिख रही क्या? मैं सही जा रहा था, बीच में आ गया तू यहाँ। अरे अंधे की औलाद, अंधे तेरा बाप भी अंधा होगा मुझे लग रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा, तेरे को समझ के रखा तूने मेरे को, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, ज्यादा बोल लगा तू जानते नहीं तू मुझे को। अरे तेरे को गली का कुत्ता नहीं जानता, यहाँ पे तू क्या बने फिर रहा है? तेरे जैसे 360 अपनी जेब में लेके घूमता हूँ मैं आगे पीछे। अरे झाड़ू मारते हैं तेरे जैसे, गटर साफ करते हैं मेरे यहाँ पे, मेरे मोहल्ले में दिक्कत है। अरे तो बिना मत, तू बहुत पछतावा का, तू रहन दे, मैं चला गया यहाँ से। अरे तू रहन दे, तू जिंदा बच के दिखा दियो मेरे को, जाइए भी बात है, अरे जा देख ले, मैंने आज तो जिंदा बच के दिखा दियो मेरे को, ओ चिंटू पिंटू इधर आ, जिंदा लेके आज को छोड़ना नहीं आज को, ओ मार इसको, ओ मार इसको, आज को छोड़ना नहीं, मार दे आज को, आज लगा दूंगा मैं, अबे क्या लगा, आज लगा दूंगा तेरे को, लगा दूंगा मेरे को, आज का छोड़ना नहीं आज को, आज भगवान भी इनको बचा सकता है, आज आज भगवान भी इनको बचाएगा। क्या हुआ रे भाई तेरे को, क्या दिक्कत, तेरे को क्या परेशानी है, तू किसी बीच में आ रहा है? लड़ाई करने से किसी का भला हुआ क्या? ये तुम्हारा हो जाएगा। ओ ज्ञानी आत्मा, ओ पंडित जी, ओ पंडित, तुम्हारा काम नहीं है इसमें, अपने उम्र के लोगों से बात करो। तो तुम शांति के लिए भगवान आया है, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, अरे तुमको शर्म करनी चाहिए, वो भी रोड पे लड़ाई कर रहे हो। अरे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है, तेरे बाप का क्या जा रहा है, हम सभी का बाप है आत्माओं का, लड़ने से किसी को शांति नहीं मिली आज तक, पढ़ाई से शांति मिलती है और विश्व बंधुत्व की भावना आती है, भगवान आया है तो कभी उसका भी तो जिक्र करो और हम फिक्र करो उसकी, परमात्मा हम सभी को बहुत कुछ देना चाहता है, इसी बहाने आजमाता है, इसलिए जीने वहां से लड़ाई होती है। कहते अभिमान में तीर गए यश वैभव वंश और ना मान को देख लो रावण कौरव वंश, इसलिए भैया अभिमान मत करो, चाहे पद का, चाहे मद का और चाहे शरीर का, ये अभिमान यही रह जाएगा। क्या लेके जाओगे पंच तत्व के इस पुतले का, क्यों करता अभिमान रे, काली घोली है चमड़े की, माटी एक समान रे, कोई जन्मे राजमहल में कोई गरीब पले टकरी में, लेकिन मरगन सबका प्यारे, जनता एक समान रे, इसलिए जब जाना एक घर में है तो शांति से जाओ, लड़ाई करके क्या फायदा, हम सबका परम पिता है, हम सभी का खून का रिश्ता तो है नहीं भैया, लेकिन आत्मा का रिश्ता तो है, इसलिए आत्मा के रिश्तों की जड़ है पाताल तक, बाकी सभी सभी रिश्तों की जड़ है अस्पताल तक, तो क्यों अस्पताल जाना चाहते हो, क्यों ना परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा ने हम सभी को इस धरती पर अच्छे काम करने के लिए भेजा है, इसलिए कहते हैं मेरे मालिक की दुकान पर लिखा सभी का खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, एक साथ लिखता सबकी सुंदर कर्म कहानी, अच्छे कर्म करो रे भैया। अरे अच्छे कर्म आज के डेट में कर कौन रहा है, ये तो बताओ जरा, कोई गुस्सा जलाएगा तो ठोकूंगा नहीं गया इसको मैं। आपके जैसे भैया लाखों भाई बहन आज ओम शांति का पाठ कर रहे हैं। क्या क्या होता है ये ओम शांति में? ओम शांति में भैया संस्कार का परिवर्तन होता है, पहले हम बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा करेंगे कहाँ से, तो सोच से ही बदलो अपने आप को, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिन खोजा आपने मुझसे बुरा ना हो, जैसे भैया मैं आपको कहूँ कि आप बेईमान हो तो तीन उंगली मेरे तरफ इशारा करती हैं कि मैं तिमना बेईमान हूँ, और गुण देखने से कलयुग आ गया, अब गुण देखेंगे तो सत्युग आ जाएगा, क्या यही नर्क में रहना चाहते हो कि स्वर्ग में भी जाना चाहते हो,
भाई स्वर्ग में तो मरने के बाद जाएंगे ना, वो किसने देखा भाई, मैं तो अभी जिंदा अपने जिंदगी में मेरी मौज मस्ती करने की। आप अगर हमारी बहनों के पास आएंगे, हमारी बहनें आपको राजयोग का अभ्यास कराएंगी, तो आप क्या होता है ये राजयोग, क्या होता है ये योग? योगा मैं भी करता हूँ, वो रामदेव बाबा वाला ना, वो मैं भी करता हूँ योगा। उससे आपका शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप परमात्मा को याद करेंगे आत्मा समझ के, उससे आपकी आत्मा अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और आपकी आंखें अच्छी बनेगी। आप भाइयों करते तो लड़ाई तो अभी तक आप कर रहे हो, इसका मतलब आपका शरीर फिट है तो क्या लड़ने के लिए है, दूसरों के काम आने के लिए है, परोपकार करने के लिए है। भाई जो काम आने लायक काम करेगा उसका करेंगे, जो टांग का काम करेगा तो पिटेगा ना बड़े बाजार में। जो जो मरता, जो मर जाता है मजनू गली में, उसको कफन नहीं होता नसीब, और जो वतन के लिए मरता है उसको जय हिंद का नारा लगाते हुए सेना लाती है। हम बहुत प्यार से आर्मी में भर्ती हो जाएं, हम आर्मी भर्ती की बात नहीं कर रहे, लेकिन और ये मेडल क्या लगा रखा तुमने? तो कौन सा मेडल है, किसने बना हुआ है? ऐसी दुनिया आने वाली है तो बुराइयों को लात मारो और अच्छाइयों को पकड़ो, गुणों को पकड़ो, अवगुणों को छेड़ो। ये कृष्ण की दुनिया आने वाली है, उसमें आप सब भी चल सकते हो। उसमें तो कंस भी है। नहीं कंस का, कंस भी तो चाहिए इसके जैसे पापी नरक, और पापी भी तो चाहिए वहाँ पे। कंस जैसे गुण वाले अभी इस दुनिया में है, वहाँ सत्य में तो कृष्ण जैसे हैं, अभी कंस जैसे हैं, जो कस के शराब को पकड़ता है, गांजा को पकड़ता है, बुराइयों को पकड़ता है, वो है कंस। तुम क्या ज्योतिषी हो भाई? ना हम कोई ज्योतिषी है, ना हम कोई। तुम क्या मेरे हाथ देख के बता दे क्या बात है भाई साहब? जिनकी जो हंसते हैं उनकी हंसरेखा ठीक है, और जो मस्त रहते उनकी मस्तक रेखा ठीक है। अच्छा, तो आप भी आओ और अपने परिवारजनों को जाओ, और आज से कसम खाओ कि हम कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम ईश्वरी पढ़ाई करेंगे, नंबर बनोगे, पढ़ाई नमन करेंगे। पढ़ाई पढ़ने की उम्र हमारी जा चुकी है, अब तो बालक बच्चे हो गया, वो पढ़ेंगे ना। यहाँ पर बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पर शरीर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर तो आत्मा की बात होती है। क्या पैसे लगेंगे भाई और बता दो? कोई पैसे नहीं लगते, और तो पैसे होंगे, कोई पैसे लगते बाद में लोगे, जानता हूँ मैं सारे दुनिया को। एक आना सिर्फ चले आना, बाकी और कुछ नहीं लगता है। कहते अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अकेले पिता को अकेले याद करना है, भैया 5 किलो रोज खाना है। अच्छा? इसलिए पहली पहली गोली सुबह सुबह खा लो, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। और पहली पहली गोली है धीरज, अगर धीरज घर मनवा सुख के दिन आएंगे, और फिर आपके परिवार में भी आएंगे सुख के दिन। आप कहते हैं वृक्ष करोना फल रखे, नदी न संचय नीर, और परमानंद के कारण साधु धरा शरीर। जब वृक्ष अपना फल नहीं खाते दूसरों के लिए बहते हैं, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती दूसरों के लिए बहती है, तो आप भी परोपकार के लिए अपना जीवन लगाओ, तो फिर भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा। कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आत्मा के नाते भाई भाई। सबके खून का रंग लाल है, किसी के खून का रंग हरा है, कोई टोपी लगा के पैदा हुआ, कोई पगड़ी बांध के पैदा हुआ, कोई दाढ़ी लगा के पैदा हुआ क्या? अगर नर्स बदल दे रास्ते में, नर्स बदल दे बचपन में, तो क्या पता चलेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है? जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस धर्म वालों के यहाँ रहते हैं, हम वह बन जाते हैं, लेकिन असली में हम भगवान के घर से आए हैं, वहीं जाना है, शांति के देश से आए हैं। तो ओम शांति सबकी शांति कराने वाली है, तो आप सभी शांति में आओ, और आप सभी को भगवान बहुत अच्छे घर में कहाँ पर है तुम्हारा? आइए आइए, हम आपको ले चलते हैं हमारी दीदी के पास। आइए आइए आइए, ये हमारी दीदी है, और इन्होंने ही हमें सिखाया, इनके द्वारा हमने जो सीखा वो आपको अपने बताया। भैया आपको हमने दीदी से मिला दिया, अब आप दीदी से ही आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति दीदी जी। क्या सिखाया जाता है दीदी? यहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है, ताकि हम अपने मन को शांत कर सकें, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकें, अपने जीवन को महान बना सकें। पर हमारे जीवन में जो भी विषय विकार या व्यसन जो हमारे जीवन में आ चुके हैं, उन व्यसनों को हम छोड़ सकें। आज सारा समाज कुछ चीज़ों के कारण बहुत परेशान है, कहने के लिए कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, पर आज जब हम भगवान के घर से आए तो देखिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया, इतना सुंदर तन दिया, मन दिया, जीवन दिया, लेकिन आज हम यहाँ गरीब कैसे हो गए? क्योंकि हमने अपने जीवन में समय का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।
हमने धन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, हमने अपने संबंधों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, इसी के कारण से आज ये समाज दुख की ओर है। देखिए, इस भारत में एक समय दूध घी की नदियां बहती थी और लोग बाग दूध घी खा पी करके स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज आप देखेंगे चौराहे चौराहे पर शराब के ठेके हैं, और शाम को अगर हम उन स्थानों पर जाके देखें तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई शादी का फंक्शन है। तो देखिए, हमारा कितना धन इस नशे में जा रहा है, जिसके कारण घर में दुख, अशांति, चिंता, तनाव, टेंशन, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आज समाज में फैली हुई हैं। नशा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, कितने माँ बाप परिवार इन कारणों से धन से भी परेशान होते हैं, धन भी बर्बाद होता है और उनका घर भी बर्बाद होता है। तो यदि आप हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आएंगे तो सबसे पहले आप इन व्यसनों से मुक्त होंगे, आपका मन शांत होगा, आप भगवान को याद करेंगे, आपका जीवन बहुत बहुत सुखी बन जाएगा। जी दीदी, हम आएंगे और अपने परिवार को भी लेके आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जरूर आइए।